दोस्तों वीडियो में बात करने वाले आर्मिनल के स्टॉक के बारे में। जैसा कि आप देखोगे आर्मिनल के स्टॉक को आज भाई यहाँ पे कई सारे ऑर्डर मिले एंड इसके बाद आपने देखा कि स्टॉक में हमें आज एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिला। ऑलमोस्ट आज इंट्राडे में आपने देखा कि 472.50 तक स्टॉक यहाँ पे जाता हुआ देखने को मिल रहा है। देखिए कंपनी के कल रिजल्ट देखने को मिलेंगे आर्मिनल एंड यहाँ पे आपके इरकॉन के भी कल रिजल्ट रहेंगे। दो रेलवे कंपनी के रिजल्ट कल रहने वाले, दोनों ही भाई इंफ्रास्ट्रक्चर की है, तो रिजल्ट किसका बेटर आएगा एंड यहाँ से रिजल्ट के बाद स्टॉक पर क्या इफेक्ट पड़ेगा एंड अभी के टाइम जो अपडेट्स नजर आ रहे हैं रिजल्ट जो आपके यहाँ पे ऑर्डर्स को लेकर, तो वो बहुत ही बड़े अपडेट है एंड उन अपडेट्स के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं स्टॉक में मोमेंटम बन रहा है। देखिए आर्मिनल ने अभी के टाइम ज्यादातर लोगों का लॉस करवा रखा है क्योंकि हाल ही के अंदर एक बड़ा बाउंस आया एंड उस बाउंस में भाई कई लोगों ने इसको बाय किया, यानी कि पैसा लोगों का बना भी है बट पैसे बनने के बाद जो प्रॉफिट बुकिंग आई है वहां पे लोग हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो वो सबसे बड़ी चीज रही है एंड 4% का आज का बाउंस है। 472 का इंट्राडे हाई है, 460 रुपए का इंट्राडे लो देखने को मिल रहा है। बात करें स्टॉक की वॉल्यूम की तो वॉल्यूम आप देखोगे 62 लाख शेयर में ट्रेड होते हुए नजर आई, ऑलमोस्ट 300 करोड़ के आसपास के शेयर। देखो भाई अभी के टाइम रिजल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि रिजल्ट के बाद ही यहाँ पे कुछ बड़े प्लेयर्स हैं जो रिटेल है वो अपना डिसीजन लेंगे कि स्टॉक में क्या करना है। क्योंकि देखो डाटा अगर देखें तो अपने ऑल टाइम हाई से अभी के टाइम शेयर भाई कम से कम 25% के ऑल डाउन नीचे ट्रेड कर रहा है। सीधा कहीं लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग तो डिस्काउंट बेसिस पे शेयर में मिलता हुआ नजर आ रहा है। मेन चीज आप देखोगे तो आज की जो डिलीवरी है 24% की डिलीवरी हमें नजर आ रही है एंड 10,000 शेयर में भी ये टाइम बाइंग ऑर्डर में देखने को मिल रहे हैं। कल रिजल्ट है, कल का दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट डे रहेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर नहीं कर रखा है तो, क्योंकि रिजल्ट आते ही मैं आपको सबसे पहले वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ यानी कि देने वाला हूँ। देखिए 70 का अभी के टाइम जो स्टॉक का पी रेशो है वो देखने को मिल रहा है एंड रिजल्ट अगर बेटर आते हैं वाई टू वाई कंपनी बेटर प्रॉफिट कर देती है तो ये पी रेशो हमें डाउन देखने को मिलेगा। हाल ही में जो बाउंस आया था लोगों ने बबल बताया था कि भाई ये तो बबल है एंड स्टॉक का जो यहाँ पे वैल्यूएशन है उस पर क्वेश्चन खड़े किए क्योंकि पी रेशो स्टॉक का बहुत ही ज्यादा ओवरबोर्ड हमें होता हुआ नजर आया। मेन पॉइंट आज मार्केट में आपने देखा कि 270 पॉइंट की रैली नजर आई एंड एक तरफ गए तो मार्केट की रैली की वजह से भी शेयर में भागता हुआ देखने को मिला है। इंट्राडे चार्ट पर अगर नजर डालोगे तो सुबह सुबह वोलेटिलिटी रही, नीचे आया, फिर इसके बाद आपने देखा कि शेयर ने टोटली अप ट्रेंड यहाँ पे क्रिएट किया। इसके बाद अगर देखिए सबसे मेन फैक्ट अभी के टाइम ये है कि कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ कैसे एंड इस लॉन्ग टर्म ग्रोथ के अकॉर्डिंग हमें सबसे हमारे लिए मेन पॉइंट रह जाता है कंपनी की ऑर्डर बुक एंड ऑर्डर बुक अभी के टाइम जैसा कि आप देखोगे आज का अपडेट रिजल्ट यहाँ पे ऑर्डर का। देखिए आज की जो अपडेट है इसमें साफ साफ पता चला कि कंपनी को एक ही दिन के अंदर कंपनी को भाई 3 बड़े ऑर्डर्स यहाँ पे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। 2 साल में भाई शेयर मल्टीवेगर बनकर उभरा है, 900% तक के शानदार रिटर्न यहाँ पे बनते हुए नजर आया है। जिसमें अगर बात की जाए दोस्तों एक दिन में देखिए 3 बड़े ऑर्डर मिले जिसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ भाई अभी खत्म हुई नहीं है क्योंकि जिस प्रकार शेयर कंसोलिडेट कर रहा है वोलेटिलिटी आ रही है, करेक्शन दे रहा है, लोगों को लग चुका कि भाई जो मोमेंट था यहाँ पे 2 साल पहले वो अब खत्म हो चुका है। देखिए रेल विकास लिमिटेड के शेयरों में रॉकेट से तेजी आई है। रेल निगम जो यहाँ पे रेल विकास निगम के शेयर बुधवार को 5% के उछाल के साथ BSE 50 के हाई पर देखने को मिले। नवरत्न कंपनी के शेयरों में तेज उछाल 3 बड़े ऑर्डर्स के मिलने की वजह से आई। कंपनी को ये ऑर्डर एक ही दिन में मिले हैं। रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयरों में पिछले 2 साल में 900% की रैली आई है। पिछले 6 महीने में पैसा डबल यानी कि 70% के ऑर्डर शेयर ने बढ़त हासिल करी है। मेन पॉइंट जैसा कि ऑर्डर्स के बारे में बता दूं मैं, आर्मिनल को बेंगलुरु रेल प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ऑलमोस्ट इसकी जो वैल्यू है 613 करोड़ की हमें नजर आ रही है। इस कॉन्ट्रैक्ट में 9 स्टेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी यहाँ पर निर्माण करेगी। तो पहला ऑर्डर ऑलमोस्ट 613 करोड़ का ऑर्डर है। दूसरा देखिए ईस्टर्न रेलवे विकास लिमिटेड जो यहाँ पे रेल विकास निगम को वहाँ से भी ऑर्डर मिला है, 837 करोड़ रुपये का ये प्रोजेक्ट है। अब इसमें अगर देखें दोस्तों तो 36 महीने में इसको पूरा करना है एंड 74% हिस्सेदारी इसमें यहाँ पर आप देखो जॉइंट वेंचर में ये जिसमें से 74% हिस्सेदारी आर्मिनल की 74% हिस्सेदारी है, वही जो SPACL है उसकी भाई यहाँ पे 26% हिस्सेदारी हमें नजर आ रही है। बात करते हैं तीसरे बड़े प्रोजेक्ट की तो वो है भाई यहाँ पे आपका कंसोर्सियम को 5,000 करोड़ रुपये की डील करी है इस कंपनी ने आर्मिनल ने, यानी कि देखिए आर्मिनल की अगुवाई वाली जो यहाँ पे कंपनी है कंसोर्सियम उसने भाई 5,000 करोड़ की डील करी है। BSNL ने रेल विकास निगम लिमिटेड की अगुवाई वाली कंसोर्सियम करी को 5,000 करोड़ रुपये की डील दी है। यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट भारत नेट का मिडिल जो माइल नेटवर्क डेवलप करने को लेकर यह डील हुई है जो कि बहुत बड़ी बात है एंड रेटर के मामले में तो आप देख ही सकते हो फिलहाल पिछले 7 या 8 यानी कि ऑलमोस्ट 9 महीने से कुछ भी नहीं बना है। अब कुछ भी नहीं बना है तभी लोग इसको जज करते हैं कि बेकार शेयर है, बट जिस प्रकार ऑर्डर मिल रहे हैं तो इससे कंपनी लॉन्ग टर्म ग्रोथ को हमें नजर आ रही है क्योंकि ऑर्डर अगर मिलेंगे ऑर्डर बुक बेटर होगी तो लॉन्ग टर्म वैसे शेयर अच्छा करेगा, काम करेगा तो आगे बढ़ेगा, तो वो चीज़ है। देखिए आज आपने देखा कि जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक थे वो अच्छे परफॉर्मेंस में देखने को मिले जिसमें आप आर्मिनल को भी देख सकते हो, आपके इरकॉन को अगर आप देखोगे तो इरकॉन भी हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट इरकॉन के अंदर भी हमें 3% की रैली नजर आई, IRIS भी पॉजिटिव है। कल कंपनी के रिजल्ट है, देखते हैं कंपनी कैसा रिजल्ट यहाँ पे आउट करती है।